हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये फिटर का नौवा भाग। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और जल्दी से इसका उत्तर लिख के मेरे वीडियो में लिख के भेजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको ये प्रश्न का उत्तर सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और जो दोस्त अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, प्लीज उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे रहा हूँ इसको चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि मेरे भाइयों और बहनों को ये प्रश्न अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा काम में आ सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये फिटर का नौवा भाग। देखते हैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या क्या चैलेंज है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का फिटर का नौवा भाग। ठीक है, तो दोस्तों फिटर का नौवा भाग का पहला प्रश्न है, द एंगल ऑफ चैम्परिंग द एंड्स फॉर द थ्रेड इज डैश। जो चैम्परिंग एंगल होता है थ्रेड का एंड में, वो कितना डिग्री होता है? क्या वो 75 डिग्री है, क्या वो 80 डिग्री है, क्या वो 90 डिग्री है, या फिर 120 डिग्री है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न है, डैश स्क्रापर इज यूज फॉर स्क्रैपिंग बियरिंग बुशेस। कौन सा स्क्रैपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेयरिंग बुशेस को स्क्रैपिंग के लिए? क्या वो ट्रायंगुलर स्क्रैपर है, क्या वो हाफ राउंड स्क्रैपर है, क्या वो फ्लैट स्क्रैपर है, या फिर बोथ ए एंड बी है। ठीक है, चैलेंजिंग होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश मशीन रिमर इज यूज टू रेक्टिफाई द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द रिमर एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस। कौन सा मशीन रिमर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि मिस अलाइनमेंट, थोड़ी सी भी मिस अलाइनमेंट होता है किसके बीच में? रिमर एक्सिस एंड वर्क एक्सिस बीच में। क्या वो फ्लोटिंग ब्लेड रिमर है, क्या वो सेल रिमर है, क्या वो मशीन जिग रिमर है, या फिर चॉकिंग रिमर है। ठीक है, चलिए आज का चौथा क्वेश्चन है, स्लांट साइड ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड एज। थ्रेड का जो स्लांट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या वो फ्लैंक है, क्या वो रूट है, क्या वो एक्सिस ऑफ द थ्रेड है, या फिर डायमीटर ऑफ द थ्रेड बोला जाता है। ठीक है, चलिए आज का पांचवा प्रश्न है, इन टिन मैन शोल्डर परसेंटेज ऑफ एंटीमोनी इज डैश। हम लोग जो टिन मैन शोल्डर यूज करते हैं उसमें एंटीमोनी का परसेंटेज कितना रहता है? 0.1, 0.2, 0.3, या फिर 0.5। आज का छठा क्वेश्चन है, डैश नॉट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड लोकोमोटिव इंजिन टू प्रिवेंट सडन शॉक एंड वाइब्रेशन। कौन सा नट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स एंड लोकोमोटिव इंजिन में जो कि सडन शॉक एंड वाइब्रेशन को दूर करे? क्या वो हेक्सागोनल नट है, क्या वो कैसल नॉट है, क्या वो स्पीड नॉट है, या फिर हैंक नॉट है। ओके, चलिए सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन सब आपको चैलेंजिंग होने वाला है। डैश हेड की परमिट इजी विड्रॉल। कौन सा हेड की इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? क्या वो फ्लैट सैडल की है, क्या वो पेग फीदर की है, क्या वो जीब की है, या फिर हॉलो सैडल की है। ठीक है, और ये रहा आपके लिए बहुत सारा प्रश्न उत्तर है। ठीक है, ध्यान से पढ़ के इसका आंसर मेरे को मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिए। ठीक है, देखते हैं कितना चैलेंज होने वाला है। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सब प्रश्न आपको लिए बहुत कारगर होगा। ठीक है, जल्दी से इसका प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वेश्चन आंसर। ओके, तो दोस्तों कैसे रहा आज का ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम? उत्तर तो मैंने नहीं बताया, उत्तर आपको लिख के मेरे कमेंट सेक्शन में भेजना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर लिख के मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए और एग्जाम की प्रिपेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।